भाजपा में शामिल होने के बाद जनपद में प्रथम आगमन पर भानु प्रकाश मिश्रा का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर भव्य स्वागत किया, जिसके संबंध में भाजपा नेता भानु प्रकाश मिश्रा ने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता जनता की सेवा करना है तथा शिवसेना से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया। उन्होंने सपा छोड़ने के सवाल पर कहा, सपा जातिवादी पार्टी है जिसके कारण सपा को त्यागना पड़ा। उन्होंने कहा, सपा के समय में ब्राह्मण समाज का बहुत उत्पीड़न किया गया तथा सम्मान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ हैं। अब ब्राह्मण समझ चुका है कि भाजपा में ही ब्राह्मणों का सम्मान है तथा साथ ही सभी समाज के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। उन्हें पार्टी के द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा उसका निर्वहन करते हुए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबों को मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है तथा मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता अब भाजपा के साथ है तथा प्रदेश में 2022 में भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए भाजपा नेता भानु प्रकाश मिश्रा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी भानु भैया जिंदाबाद, भानु भैया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्राथमिकताएं तो मेरी शुरू से एक ही रही है, जनता की सेवा। जन सेवा के लिए मैं जुड़ा था, समाज शिवसेना से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया और आज फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी में समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ। सपा घोर जातिवादी पार्टी थी, जिसकी वजह से हमें सपा का त्याग करना पड़ा। जब अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए समाजवादी पार्टी के, तो उनके सामने सिर्फ दो ही फैक्टर काम करते थे और बाकी किसी अन्य जातियों से उनका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ब्राह्मण समाज उनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा पीड़ित था और उसकी वो अपने ब्राह्मण समाज की दुर्दशा देखते हुए हमने उसे त्यागपत्र दिया था। कतई नहीं, ये तो विरोधियों की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ब्राह्मण समाज है और ब्राह्मण समाज और कहीं जाने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे वो सम्मान मिलने वाला किसी अन्य दल में नहीं है। आता परिवार पूरा सपा में चला गया, आप बीजेपी में क्या कहा जाएगा? अरे, समाजवादी पार्टी अपने स्वार्थ के लिए उन्हें ले गई। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा इस्तेमाल हुआ, उस दिन वो भी छोड़ के चले आएंगे। उन लोग भाई, वो लोग तो हमेशा सत्ता की राजनीति किए हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए वो गए हुए वहाँ पे। बीजेपी में ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा उत्पीड़न है, तो किसने कह दिया आपसे? आप बताइए, एक कोई उत्पीड़न आप बताइए। आप अगर जोड़ते हैं अपराधी को, तो अपराधी का कोई जात नहीं होता। बाकी आप बता दीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता, तो दयालु मिश्रा को राजमंत्री का दर्जा बनारस में क्यों दिया जाता? अश्विनी त्रिपाठी को राजमंत्री का दर्जा क्यों दिया जाता? यहाँ सारे समाज के लोग समाहित हैं और सारे समाज के लोगों की एक हर तरह से लोग सुरक्षा देते हैं और उनका सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं बहुत ही सुखद अनुभूति कर रहा हूँ और हमारे सारे मित्र शुभचिंतक पार्टी के कार्यकर्तागण जो अपार स्नेह और प्रेम हमें दिए हैं, इसके लिए मैं ऋणी हूँ और आजीवन भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहूँगा। हमें मुझसे जो बन पड़ेगा पार्टी के लिए, तन मन धन से मैं पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हूँ। चुनाव के लिए क्या किस तरह देख रहे हैं आप? 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार वापस आ रही है। किस तरह कार्य किया जा रहा है समाज में? आप देखिए, हर कार्य इस समय मतलब गरीबों को मुफ्त भोजन, मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ये गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, सब कुछ तो हम लोग दे रहे हैं, लैपटॉप भी देने जा रही है सरकार। तो ऐसी स्थिति में समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अन्य किसी दल ने नहीं किया।